स्टूडेंट्स बच्चों, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 22, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जिसमें हमने जो फर्स्टली डाइवर्सिटी समझा, फिर फैमिली स्ट्रक्चर में जो डाइवर्सिटी थी उसको समझा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब जो भी इंसान अपनी जीविका के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए जो भी काम करता है उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी डाइवर्सिटी है, हर इंसान सेम काम नहीं कर सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, हर कोई टीचर नहीं होता, हर कोई आपका डॉक्टर नहीं होता। तो आइए इसको देखते हैं। जो पैसे कमाने का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। हाँ, और ये जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, जब लोगों ने खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, इसके बाद इसने क्या किया, तब ये सिस्टम शुरू हुआ, मतलब पैसे कमाने का। व्हेन मैन डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ही एंड ऑल हिज कंपेनियंस एंगेज देमसेल्स इन कल्टीवेशन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही केम टू रियलाइज दैट देयर वॉज नो यू नीड फॉर ऑल पीपल टू बी एंगेज इन एग्रीकल्चर। क्या हुआ बच्चों, पहले ज़माने में जब इंसान ने एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी का काम शुरू किया, तब तो उसने कुछ दिनों बाद देखा कि जितने लोग हैं सबको इसी काम में लगे रहना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग दूसरे कामों के लिए भी जा सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब जो क्या कहते हैं, नए नए फील्ड्स आए, नई नई जॉब्स आई। कैसी जॉब्स आई, कुछ लोग तो एग्रीकल्चर में थे, कुछ फॉट एंड डिफेंडेड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, जो लड़ाई करते थे अपने एनिमीज से बचाते थे। ठीक है, कुछ किसी और कमोडिटीज़ या गुड्स के प्रोडक्शन में लग गए, कुछ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ में लग गए, हाँ, या कोई और छोटी छोटी जॉब्स करने लग गए। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में डिविजन ऑफ लेबर हुआ। ठीक है, एंड ये बच्चों एक बेसिक होता है, अगर किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ना है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनना है, तो क्या करना होगा, डिविजन लेबर को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, वैसे ही एक काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे इंसान उसमें ही इन्वॉल्व हों। ठीक है, अब जैसे हमारी सोसाइटी में हम रहते हैं, हम क्या देखते हैं, अगर हमारी सोसाइटी में टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, दूध वाला भी है, कॉबलर भी है ना, सारे जॉब्स हैं। अगर यही मैं कहूँ कि सबको एक ही काम करने हो या एक इंसान को ही सारे काम करने हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब ऐसे इंसान कम्युनिटी लाइफ जीने लगा, तो इसी वे में विलेजेस बने। ठीक है, जब विलेजेस बने तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो रॉ मटेरियल होता है उसको क्या करने लग गया, उसको जो रॉ मटेरियल है जो हमें नेचर से मिलता है उसे एक्वायर करके, उसने उसे एक्वायर किया है एंड उसे प्रोसेस करने लग गया, प्रोसेस करने लग गया। लाइक जो हमें वुड्स मिलती है, मान लीजिए हमें जंगल से लकड़ी मिली, तो वो उस लकड़ी को थोड़ा प्रोसेस करने लग गया, उसको थोड़ा बेटर बनाने लग गया। तो इससे क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जन्मी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी बच्चों, जो डायरेक्टली हमारी नेचर से जुड़ी हों। ठीक है, जैसे फार्मिंग है, फिशिंग है, हंटिंग है, ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, जो प्राइमरी जो नेचर से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हो, ये कहीं ना कहीं हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जुड़ी होती है। लाइक वुड कटिंग हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, कारपेंट्री सेकेंडरी, वीविंग, डाइंग, ये सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है जी, चलिए समझ में आ गया हमको, प्राइमरी एक्टिविटी समझ में आ गया आपको, सेकेंडरी एक्टिविटी समझ में आ गया, राइट। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये जो विलेजेस थे ये टाउन्स में बदले, टाउन्स सिटीज़ में बदली, तो अब सर्विसेज चालू हो गई। जैसे कि आपको व्हीकल्स की सर्विस है, व्हीकल्स की सर्विस इन द सेंस आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है, टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, क्लेरिकल जॉब्स, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। इनको हम क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं। बच्चों यहाँ पे हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब देखिए, टीचर कुछ प्रोड्यूस करता है? नहीं, वो आपको शिक्षा देता है, राइट? वो एक सर्विस कर रहा है। ऐसे इंजीनियर्स हैं, बैंकमैन हैं, ये सब कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई? ये टर्शरी एक्टिविटीज़ हो गई। एंड इस तरीके से हमने देखा हमारी सोसाइटी में जो लेबर है उसका डिविजन हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको क्या क्या याद रखना है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, सेकेंडरी कौन सी होती हैं, एंड टर्शरी कौन सी होती हैं। थैंक यू।